भारत और मालदीव के बीच राजनीतिक तनाव जस का तस बना हुआ है। इस तनातनी के बीच भारत से विवाद के कारण मालदीव के पर्यटन को तो भारी नुकसान हुआ ही है, साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में भी उसे बड़ा झटका लगा है। मालदीव के लोग इलाज के लिए भारी संख्या में भारत आते थे, लेकिन भारत के साथ राजनयिक विवाद के बाद अब मालदीव ने श्रीलंका से मदद मांगी है। मालदीव के परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री मोहम्मद असीन मंगलवार को अपने श्रीलंकाई समकक्ष निमल सिरिपाला डी सिल्वा से मुलाकात करते दिखे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में मालदीव के मंत्री ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात मंगलवार को हुई। उन्होंने लिखा, श्रीलंका मालदीव को चिकित्सा निकासी में मदद करने के लिए सहमत हो गया है, यानी अगर मालदीव में किसी को आपात चिकित्सा की जरूरत पड़ती है तो उसे तत्काल एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए श्रीलंका लाया जा सकेगा। हम मालदीव और श्रीलंका के बीच तत्काल जरूरतों, खासकर चिकित्सा निकासी फ्लाइट्स की तत्काल मंजूरी के लिए एक रूपरेखा बनाने पर सहमत हुए। तो वहीं श्रीलंका के परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री डी सिल्वा ने इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए लिखा, मालदीव इस काम के लिए अपने एयर एम्बुलेंस का ही इस्तेमाल करेगा। हम इस काम में मालदीव की मदद करेंगे और श्रीलंका में आपात चिकित्सीय इलाज की खातिर आने वाले लोगों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाएंगे। भारत और श्रीलंका मालदीव के सबसे करीबी पड़ोसियों में से एक है। मालदीव और श्रीलंका के बीच करीबी रिश्ते रहे हैं और भारत के साथ मालदीव के तनाव ने मालदीव को श्रीलंका के और भी करीब आने के लिए मजबूर कर दिया है। मालदीव का श्रीलंका के साथ मेडिकल क्षेत्र में सहयोग को आगे ले जाने की खबर ऐसे वक्त में आई है जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अपने देश की चिकित्सकीय जरूरतों में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। मालदीव के बहुत से लोग सस्ते और अच्छे इलाज के लिए भारत आते हैं और भारत से चल रहे तनाव को देखते हुए मोइजू इसमें विविधता लाना चाहते हैं। इसे देखते हुए पिछले साल दिसंबर के महीने में मोइजू सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा की घोषणा की थी। एयर एम्बुलेंस सेवा मार्च 2024 की शुरुआत से काम करने लगेगा और इसके जरिए लोगों को इलाज के लिए थाईलैंड तक ले जाया जाएगा। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू सत्ता में इंडिया आउट के एजेंडे पर आए और मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी पर अड़े रहे। उन्होंने भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए 15 मार्च तक का अल्टीमेटम भी दिया है। बहरहाल भारत मालदीव के लोगों का पसंदीदा मेडिकल डेस्टिनेशन रहा है और हर साल हजारों की संख्या में लोग इलाज के लिए भारत आते भी रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, साथ ही वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।